हेलो जी, नमस्कार। हमारा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस बेहतरीन और सबसे ज़्यादा शानदार वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, एक बार कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर आप सभी लोग बता दीजिए, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का हमारा जो है चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप क्लास 10th में हैं और अभी तक क्लास 10th की बायोलॉजी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यानी कि बायो अमन से नहीं पढ़ा है ना, तो जा करके पढ़ लीजिए, प्ले लिस्ट पर वीडियो है, ठीक है, प्ले लिस्ट पर। तो प्लीज़ और प्लीज़ मैं आज आप सभी जितने भी लड़के देख रहे हैं भारत के अलग अलग राज्य से, ठीक है, उन सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि हमारे सभी वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पर ही देखने को मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर क्या है हमारा, एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। कहीं एसिड, ये देखो आप लोग हैं, ये हमारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, और ये हमारी प्यारी बच्चियां हैं, ठीक है, होने वाले फ्यूचर डॉक्टर या फ्यूचर है ना, कुछ भी जो आप बनना चाहें, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम आपको बता दें कि यदि आप अभी तक जो है रासायनिक वाला जो है चैप्टर वन का वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, चैप्टर वन का, तो आप सभी लोग चैप्टर वन का जो वन शॉर्ट वीडियो है प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वन शॉर्ट वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th साइंस के, ठीक है, क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो वो वीडियो भी प्यारे बच्चों आपको प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेगी। याद रखना, मैं आप सभी लोगों को बायोलॉजी तो पढ़ाता ही हूँ बेहतरीन तरीके से, ठीक है, क्या बायोलॉजी तो पढ़ाता ही हूँ बेहतरीन तरीके से, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी क्लास 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी मैंने पढ़ाया है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जा करके जरूर देखें। और आपको एक बात और बता दें, आपको एक प्लेलिस्ट और चेक करना है, ठीक है, आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, एक प्लेलिस्ट और चेक करना है, वो है सोशल साइंस की, ठीक है, तो क्लास 10th सोशल साइंस, ठीक है, क्लास 10th सोशल साइंस की एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हमने आपको डिटेल में हिस्ट्री को पढ़ाया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो के लास्ट में आप बायो अमन, बाई बायो अमन लगा देंगे तो हमारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको देखना है भारत में राष्ट्रवाद, तो आपने लिखा भारत में राष्ट्रवाद YouTube पे, और उसके बाद आपने क्या लिख दिया, बाई बायो अमन, तो क्या होगा, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा और मैं बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ाया हूँ और समझाया हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, डन। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं और मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो देखो प्लेलिस्ट पे क्या है, मैं प्लेलिस्ट बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे वीडियोस जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट पर ही आप सभी लोगों को मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि प्लेलिस्ट चेक करना, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण कक्षा 10 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, नंबर एक है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने कभी भी पीतल या फिर तांबे के बर्तन में दही को रख दिया ना, है ना, या फिर खट्टे पदार्थ को आपने रख दिया ना, तो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, उत्तर देखिए क्या है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल, देखो लैक्टिक अम्ल, क्योंकि दही में क्या मौजूद है, लैक्टिक एसिड मौजूद है, ठीक है। और दूध में कौन सी शर्करा, पूछे अगर बताओ कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ठीक है, तो दूध में लैक्टोज शुगर पाई जाती है, कौन सी शुगर प्यारे बच्चों, लैक्टोज शुगर पाई जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसमें लैक्टिक अम्ल होता है जो पीतल एवं तांबों के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक यानी कि विषैला यौगिक बना देता है,
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो लैक्टिक अम्ल होता है ना, वो लैक्टिक अम्ल पीतल या फिर तांबे के बर्तन से क्या करता है, क्रिया करता है और विषैला पदार्थ बना देता है। इसीलिए हमें किसको, दही और खट्टे पदार्थ को जो है तांबे के बर्तन या फिर पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण से ये खाने लायक नहीं रह जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे, अगर आपसे एक प्रक्रिया पूछे कि दूध से दही कैसे बन जाता है, तो दूध से दही बनने के लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, ठीक है, एक जीवाणु, जिस जीवाणु का नाम होता है लैक्टो बैसिलस बैसिलाई, ठीक है, हिंदी से लिख देते हैं इसको, इसका नाम होता है क्या, तो इसका नाम होता है लैक्टो बैसिलस बैसिलाई, ठीक है। तो लैक्टो बैसिलस बैसिलाई क्या करता है प्यारे बच्चों, लैक्टो बैसिलस बैसिलाई इस दूध को दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है, किसमें, दूध में कौन सी शुगर होती है, तो दूध में होती है लैक्टोज शुगर, ठीक है। तो इसी दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है, उसी लैक्टोज शुगर को क्या करता है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है। कौन बदलता है, यही आपका बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं यहां पे लिख दिया ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 10th में तो ये पूछा ही जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना आप। हाँ, एक चीज और बता दूं, देखो आपके आमाशय में, ठीक है, हमारे आमाशय में क्या होता है, हमारे स्टमक यानी कि आमाशय में क्या होता है, एसिड होता है, सीएल होता है, हमारे आमाशय में एसिड होता है, ठीक है। जैसे मैं दही नहीं खाता हूँ, ठीक है, तुम देखो मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मैं दही नहीं खाता, लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे शरीर में दही जाता है अगर मैं दूध खाता हूं तो कैसा रहेगा, बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं दही नहीं खाता, अगर मेरे को दही दोगे मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं दूध पी लेता हूं, जो दूध को मैंने पिया तो लैक्टोज शुगर को मैंने क्या किया, अपने अंदर लिया, ठीक है, अपने अंदर लिया, तो बाहर बाहर क्या करता है, बैक्टीरिया दही बना देता है, तो लोग दही खा लेते हैं, लेकिन स्टमक में क्या होता है, जब एसिड गिरता है, ठीक है, जब स्टमक का एसिड गिरता है या सीएल गिरता है, तो ये दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, यही स्टमक में फिर दही बन जाता है, तो मैंने जितना भी दूध पिया है वो सब दूध दही बन जाएगा, फिर उसके बाद उसका पाचन होगा, समझ रहे हो। तो ये जीवाणु का नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस बैसिलाई, ठीक है, कहीं पर भी लैक्टोबैसिलस आ जाए तो याद रखना लैक्टोज शुगर की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, लैक्टोज शुगर की बात हो रही है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, देखो ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस ना आपको प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, तो प्यारे बच्चों आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी लोग प्लेलिस्ट जाकर के देखें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास वीडियोस को शेयर जरूर करें, ठीक है, जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास प्यारे बच्चों वीडियो को क्या करेंगे, आप सभी लोग शेयर करेंगे, ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि अगर धातु है, ठीक है, धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया होगी, ठीक है, धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया होगी, ठीक है, धातु और अम्ल यानी कि आपस में यदि अभिक्रिया करेंगे, धातु के साथ यदि अम्ल की अभिक्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलेगी, तो उत्तर देखिए कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, यदि धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो प्यारे बच्चों कौन सी गैस निकलती है, तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, कौन सी गैस प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, यहां पर देखिए जैसे 2NaOH है हमारे पास, ठीक है, क्या है, 2NaOH है, यहां पे लिख देते हैं हम 2NaOH है, जब इसकी क्रिया ZN यानी कि जिंक से करवाते हैं तो प्यारे बच्चों Na2ZnO2 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये प्यारे बच्चों क्या है, जिंक है, ठीक है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक है, उधर देखो हमको ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है, यहां पर देखिए अगर हम इसकी जांच करें,
अगर हम इसकी जांच करें कि अगर धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, अगर इसकी जांच करें तो देखिएगा कि जांच जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के पास ले जाने पर फट फट अर्थात पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर हम इसकी जांच करेंगे तो जलती हुई मोमबत्ती को हम परख नली के मुंह पर ले जाएंगे तो क्या होगा, फट फट यानी कि पॉप ध्वनि उत्पन्न होगी। कैसी पॉप ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है ये। सबसे पहले हमने ये लिया, एक आपका जो है स्टैंड लिया, ठीक है, इसमें क्या किया, दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। ये देखिए परख नली है, परख नली में हमने क्या किया, दानेदार जिंक के टुकड़े को डाल दिया। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि क्या क्या डाल दिया, NaOH को डाल दिया, किसके अंदर, परख नली में। ठीक है, इसको टाइट कर दिया। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, अब क्या हुआ, अब इसमें प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बने। कैसे बने, क्योंकि NaOH और ZN आपस में क्रिया किया और क्रिया करने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस के इसमें क्या हुए, बुलबुले बने। तो वही हाइड्रोजन गैस इसी प्रवाह नली से होते हुए कहाँ आया, आपके बीकर में आया। बीकर में क्या है, साबुन का विलयन है, साबुन के विलयन के अंदर ही डूबा हुआ है। ठीक है, तो इधर से ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, और हमने क्या किया, ये क्या है, हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले हैं। ठीक है, क्योंकि साबुन में आप जानते हैं फेना आ जाता है, बुलबुले हो जाते हैं ना वो, तो इसी तरह इसमें भी। और हमने क्या किया, मोमबत्ती को ऐसे जला के इसके सामने रखा, तो ये बुलबुले जब यहां पहुंचे तो पॉप ध्वनि यानी कि फट फट की आवाज सुनाई दी। क्या हुई, फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हुआ, यानी कि फट फट की ध्वनि सुनाई दी, और उसी के साथ क्या हुआ प्यारे बच्चों, उसी के साथ हाइड्रोजन का दहन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन गैस जली, है ना। देखो इतना सिंपल है, क्या है, दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करना। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इससे सिंपल क्वेश्चन अगर कहीं हो सकता है तो मुझे बताओ कि यस भैया हो सकता है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और है हमारा क्वेश्चन कि कोई धातु, देखो क्या है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि यौगिक का नाम नहीं बताया, कोई धातु बता दिया। ठीक है, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यानी अगर मोमबत्ती जल रही है उसको बुझा दे रहा है, तो कौन बुझा दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बुझाएगी। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एक को बता दिया कि यदि कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। ठीक है, पूरा रासायनिक अभिक्रिया आपसे पूछा है, तो जब आप इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको सब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, तो आपको सब याद होगा कैसे समीकरण आप सॉल्व कर सकते हैं। धातु का यौगिक यदि ए है तो हमने मान लिया CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। ध्यान से देखिएगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब क्रिया हम कराएंगे किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। ये देखो ये मिल गया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि प्यारे बच्चों CO2 भी मिलेगा, और हमको H2O यानी कि प्यारे बच्चों जल भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, डन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये जलीय विलयन में, जल के विलयन में अम्लीय लक्षण क्यों प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अब भैया ये जब अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 है ना, सोडियम हाइड्रोक्स वो हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, है ना, ये सभी मतलब क्या करेंगे, सॉरी, जलीय विलयन में ये अम्लीयता क्यों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं, आखिरकार क्यों। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर वो अम्लीय है तो उसको वो क्या है, वो क्या है, तो देखिए HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं,
जब इनको जल के विलयन में डालते हैं प्यारे बच्चों, तब ये क्या करते हैं, तब ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। अब अगर जो है हाइड्रो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को जल में डालते हैं तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं ये। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं जिसके कारण से क्या होते हैं, अम्लीय के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन एल्कोहल एवं ग्लूकोज, जब एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है। ठीक है, जब एल्कोहल और ग्लूकोज को आप क्या करोगे, जल में डालोगे तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा, जिसके कारण से ये अम्लीयता के लक्षण नहीं प्रदर्शित करेंगे। अगर हाइड्रोजन आयन बन रहा है तो अम्लीयता के लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहा है भाई तो अम्लीयता के लक्षण नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बोलिए, इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल है, डन, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का जली विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जली विलयन, देखो अभी हमने देखा है क्या कि अम्ल का जली विलयन, ठीक है, अम्ल के जली विलयन में क्या है, H प्लस आयन है कि नहीं, है ना, H प्लस आयन, और H प्लस आयन में क्या होती है, विद्युत, विद्युत क्या होती है, हा? विद्युत दौड़ने लगती है बिल्कुल चप्पल पहन जूता पहन के है। देखो इधर देखो, अम्ल का जली विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, अम्ल का यदि जली विलयन है तो प्यारे बच्चों क्या करेगा, वो विद्युत का चालन करेगा, यानी कि विद्युत उसमें से होकर के चलेगी, क्योंकि अम्ल जली विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है। हमको पता है ये चीज, नहीं पता है तो याद कर लो कि अम्ल क्या करता है, जली विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, तो ये H प्लस आयन उत्पन्न करता है जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण से क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें यानी कि किसमें, अम्ल के जली विलयन में, किसमें, अम्ल के जली विलयन में क्या होता है, H प्लस आयन उत्पन्न करता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अम्ल क्षार एवं लवण के। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।